कमरा तो जाना पहचाना लग रहा है। ओ भाई, ये तो वही कमरा है जो बग्गी ने सजाया था, जहाँ पे बग्गी ने टाइटल डाला था कि इस घर को दुपट्टा ने आते ही स्वर्ग बना दिया, सजाया संवारा निखारा, मेरी जिंदगी में आके स्वर्ग सब कुछ कर दिया। याद आवा? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई अब तो भाई पहुँच चुके हैं हिमाचल, कौन हमार जिज्जी, सुबहिया सुबहिया भाई, सबसे पहले जो वीडियो आया, अब सुबह नहीं बोल सकते, दोपहरिया में आया है, लेकिन अब कुनबा वासियों के लिए तो ये सुबह ही है। क्यों? क्योंकि भाई साहब अब सर्वप्रथम जो वीडियो आएगा हरदम वो आएगा, बिग बॉस बिग बॉस। छुटकन्नी जिज्जी कल से एक्टिव हो रही हैं 1 तारीख से 1 जून, ताकि 2 जून की रोटी इकट्ठा कर सकें। अब जो होना था कागजी वाला कार्रवाई वो सब हो चुका है भाई। तो अब ना 1 जून से करेंगी डेली वाली शुरुआत, लेकिन फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा भाई साहब? भाई यूट्यूब की का बोलेंगे करता धरता, जिसने 2017 में यूट्यूब को लॉन्च किया था हिमाचल में, और अपने भाई बंधुओं की जिंदगानी में, और कुछ रिश्तेदार भी आ गए तो उनकी कहानियाँ ख़त्म कर दी, आप तो सब लोग जानते हो, है ना? तो भाई जिज्जी का जो वीडियो आया है उसी कमरा से थंबनेल लगाया है, जिस पे ना बग्गी ने बोला था कि इसको ऐसे ऐसे अभी सेट शूट कर देते हैं, जिज्जी आएंगी तो वो रुक जाएंगी, बाकी कोई रखना चाहे वो रह सकता है, अगले साल मतलब जाड़ों में देखेंगे कि इसको का बनाना है, यहाँ सोफा वोफा लगाएंगे, फिलहाल हम यहाँ पर एक बेड सेट शूट करते हैं। तो भाई अब जिज्जी नीचे ऊपर, वैसे चीला और पीला सब नीचे बना है भाई साहब, छोटकन्नी जिज्जी ने भी ग्रैंड वेलकम किया है। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से ना आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। जिज्जी का टाइटल रीच्ड हिमाचल पहुंच आ चुकी हैं, और जो वीडियो की शुरुआत होती पहले आके जिज्जी हमारी समरी देती है कि अभी तो मैं आ चुकी हूँ चल चल हिमाचल, और मैं हिमाचल कैसे पहुंची इसके लिए आपको देखना होगा मेरा पूरा वीडियो, और मैं आपको ले चलती हूँ पटना, फिर पटना से हम कैसे पहुँचे चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हम कैसे पहुँचे हिमाचल। बार बार अपनी सासू अम्मा को एक चीज़ याद दिलाना कि बस अभी 1 घंटे के अंदर मम्मी को इस मम्मी से है जुदा हो जाना, मतलब जिज्जी कहा तुम करके रखोगी कारनामा, बार बार इमोशनल करना ज़रूरी है, बार बार यूँ बोलना ज़रूरी है? हाँ जी, मेरी जिज्जी के लिए तो ज़रूरी है, बाकियों का मुझे नहीं पता। क्यों? अब जिज्जी के लिए इसलिए ज़रूरी है दर्शकों, क्योंकि ना बार बार आपको याद दिलाना पड़ेगा ना कुछ चीज़ें कि हाँ हम कितने इम्पॉर्टेंट हैं, हम कितने इम्पॉर्टेंट, हम तुम्हारे लिए क्या करें, तुमने यहाँ कैसा टाइम स्पेंड किया। वैसे सुनो दर्शकों, जिज्जी हमारे एक होशियारी वाला काम करी है, जिसने वीडियो देखा होगा उसने तो समझ ही लिया होगा, और जिसने नहीं देखा ना हम उसको गिनाए देते हैं, बहुत अच्छे से बताए देते हैं। जिज्जी ने घर से निकलने से पहले ही मम्मी से कम 2 से 3 बार कहा है, और मम्मियों से भी कहलवाया है कि भाई अब ना मम्मी आप लोगों की यहाँ पर छुट्टी होती है ख़त्म, और अब मेरी छुट्टी होती है शुरू। मतलब वहाँ पर हमार जिज्जी तनिको नहीं कि करेगी काम, सिर्फ करेगी आराम। जी हाँ, बग्गी समझ में आए गवा, और टरू वालों नास पीटो जो कल लड़ रहे थे बग्गी के वीडियो में टाइटल के नीचे कमेंट कर करके कि भाई जो बग्गी कह रही थी कि पहुँचो जल्दी से, वहाँ चल के क्लीनिंग करनी है, यू करना है वो करना है, क्योंकि मम्मी आने वाली हैं, ये सब तमाम लोग करते हैं। हाँ बढ़िया ही बोलने वाले, तुमसे पहले से वो घर साफ है, बग्गी के अलावा जिज्जी या करती थी, बग्गा करता था है, और बड़कन्नी जिज्जी भी जब आती थी तब करती थी, ऐसा टरो वाले बोल बोल के एक दूसरे से लड़ रहे थे। लेकिन देखो दर्शकों, जिज्जी के ना बदल गए सुरताल, वैसे आती तो कहती थी मेरा घर है, इसको देख के मुझे लगता है यहाँ पे मैं ये कर लूँ, मम्मी क्या ही कर सकती हैं, परेतिन क्या ही कर सकती, लेकिन भाभी तो सब कुछ कर सकती है। क्यों? क्योंकि अब भाभी आ गई है तो भाभी की जिम्मेदारी है। इसलिए वहाँ पर जिज्जी ने निकलने से पहले 2 से 3 बार ही बोला कि देखो अब हम चल रहे मम्मी, हमार है आराम, तुम्हार सबका करना है काम, और यहाँ से मेरी छुट्टी होती है
शुरू और मम्मी लोग अब ये काम करें, वो करें, परेतिन करें या फिर भाई साहब बग्गी करें, सबको करना है, लेकिन हमारी जिज्जी की छुट्टी शुरू हो चुकी है। तो समझ में आएगा कुनबा वासियों, तुम सबको इतना इतना तो बहुत ज़्यादा होता है, इतना का इतना भी ना हमारी जिज्जी काम नहीं करेगी। हाँ, वो बात दूसरी है कि जिज्जी ने आते ही, पहले जैसे पहुँची घरवा, आते ही दूसरका रात में, उससे पहले की भी कहानी बताएंगे, परी वाला सुन लो, कहाँ पता हम भूल जाए, है ना। तो जिज्जी पहुँचते ही सुबहिया सुबहिया उठ के किचन में चीला बना रही थी, पीला पीला चीला, कि ना मैंने ना अपना इतना ज़्यादा वेट कम कर लिया है, पर रेतिन मेरे देख को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्लिम ट्रिम हो गई हो। तो मैं चाहती हूँ कि भाई ये जो मैंने बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के साथ अपना वज़न कम किया है, कोशिश यही करूँगी कि मैं ना बहुत ही हेल्दी हेल्दी खाना खाऊं, ताकि यही वज़न पे मैं टिक पाऊं। बाकी देखते हैं, कहस कि हमार जिज्जी जब यहाँ पर है आती तो डाइटिंग का है वो है भूल जाती, पहले यहाँ है 2-4 6 किलो वज़न बढ़ाती, फिर पटना में जाए के डाइटिंग वाले वीडियो बनाती, बस यही काम है हमारे जिज्जी का, पहले वज़न बढ़ाओ, फिर जाके घटाओ, फिर लोगों को दिखाओ, फिर अपने एक्सपीरियंस सुनाओ, ई काम है हमारी बड़कन्नी जिज्जी का। और परेतिन ने भाई साहब किस प्रकार से ग्रैंड वेलकम करा, उसके बारे में भी बात करेंगे। सर्वप्रथम दोनों मम्मियाँ आपस में बहुत ज़्यादा हमेशा की तरह इमोशनल हो रही थी, हमेशा की तरह आंखें डबडबाई जा रही थी कि भाई अब ना हम जुदा हो जाएंगे, कैसे मिल पाएंगे। मतलब दर्शकों, कितनी बार ये चीज़ मैंने बुलाई है कि भाई 2-3 किलोमीटर का जो भी फ़र्क होगा, शायद छोटकन्नी जिज्जी की हमारे जो ससुराल है पासे में है, बड़कन्नी जिज्जी के थोड़ा सा जो फ्लाईओवर है उसके आगे होगी, कि कई बार वो जब जाती है तो फ्लाईओवर दिखाती थी। तो बग्गा तो भाई कितना ज़्यादा पसंद करता है, छोटकन्नी जिज्जी भी उनको बहुत पसंद करती हैं, फिर बार बार लगातार ये चीज़ बोलना कि अब पता नहीं कब मिलेंगी, कब एक दूसरे से ये मिल पाएंगी। पहले तो दोनों बोली थी कि हम विंडो वाली सीट पर बैठेंगे, अब 4 लोग जाते हैं तो जाहिर सी बात है विंडो वाली सीट एक एक मम्मी को मिल सकती थी, लेकिन फिर बाद में बोली कि नहीं, हम दोनों लोग ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठेंगे, अपना सुख दुख बतियाएंगे, उसके कुछ 6 घंटे बाद हम जुदा हो जाएंगे। तो यही लिए फिर दोनों मम्मियाँ साथ में बैठी, एयरपोर्ट पे भी जो पैक वैक करके लाई थी, मखाने वखाने खाए, इधर उधर बातें करी। फिर भाई साहब जैसे ये लोग वहाँ पहुँचते हैं चंडीगढ़, मेरा तो दिमाग ही सटक जाता है कि भाई साहब कहाँ, जब लोग घर जाने के लिए आए होते हैं तो घर जाते हैं, लेकिन ये सब कहाँ, मॉल पहुँच जाते हैं। मॉल में था हमारे जिज्जा जी का कोनो काम, तो फिर 1 घंटा इन्होंने सोचा कि इधर इधर कहाँ जाएं, इसलिए चलो मॉल में चलते हैं। और वहीं पे भाई हमारी जिज्जी अचानक पहुँच गई, सोचा मम्मी भी एक हाथ कपड़ा ही सही से उठाए उठाए देख रही थी, तो जाइए मम्मी आप कुछ खा पी लीजिए, जाइए जाइए हम देख लेते हैं, हमें कुछ लेना होना है तो आप जाइए खाइए पीजिए। भाई मम्मी को वहाँ से भेजा वजा, और उसके बाद फिर इधर उधर की बहुत सारी बातें, गाड़ी में बैठ के कब कौन कहाँ पहुँच जाता है। और उसके बाद भाई परेतिन और बग्गा और दुपट्टा आधी दूरी से लेने आते हैं बिठाए के सबको, मतलब वो वाला वीडियो जिज्जी ने नहीं दिखाया है, कहें कि हम जब सबसे मिले तो हम लोग भैया मिले उले खाए पिए, लेकिन हम वीडियो नहीं बनाए। अच्छा, वो वीडियो किसी और के हिस्से में आएगा, शायद बग्गा लेने गया था तो बग्गा बनाएगा, या फिर परेतिन जीजी, या फिर गुप्त है वो, अगर गुप्त वाली कोई मीटिंग रही होगी तो भाई ऐसे में ना वीडियोस नहीं बनती हैं, वहाँ पर सिर्फ बोल दिया जाता है कि हम बना ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, हम एक दूसरे से बातें करने में व्यस्त थे, इतने दिनों बाद मिली हैं। जज्जी बोल रही थी कि भाई साहब हम ना इतने दिनों बाद मिले हैं, इतने दिनों बाद मिले हैं कि का ही बताऊँ, जब हम लास्ट टाइम यहाँ पर थे उसके बाद जब हम लेके चले आए, उसके बाद इतने साल इतने बरस बीत गए, 20-30 साल। अरे जिज्जी, अब इन मम्मियों को लेके गई हो कान और टंकी ड्रामा कर रही हो, घर से रिसीव किया, हमेशा बोलती हमने वहाँ से रिसीव किया, वहाँ से रिसीव किया, ना बग्गे दिखाया कि मम्मी लोग कैसे गई थी यहाँ से, ना जिज्जी ने दिखाया, बस ये बोला कि मम्मियाँ वहाँ मिली थी। मतलब कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है।
ऐसे बोलते हैं जैसे कि भाई साहब पता नहीं कब के बिछड़े थे और अब यहाँ आए के इतने दिनों बाद अपनी जन्मभूमि को देखी है, इमोशनल हो रही हैं, ड्रामे हो रहे हैं। ये सब करने के बाद क्रियाकलाप, मम्मी जी भाई सुबह बेड पे लेटी होती हैं, मम्मी जी का फेस ना एकदम भाई साहब चमक हुआ है, या फिर मम्मी भी फिल्टर लगा रही हैं। मतलब यहाँ पे मम्मी का चेहरा इतना क्लियर नहीं आता था जितना 2-3 दिन से आ रहा। ये काहे का कमाल है, अब दूसरे कैमरे में देखें तो समझ में आवे, अब दूसरा कहाँ पता कौन दूसरा फिल्टर लगा हुआ है या ना लगा हुआ है। लेकिन बड़कन्नी जज्जी के वीडियो में जब भी मम्मी जी का देखो तो उनकी त्वचा ना एकदम ऐसे चिकनी चिकनी की, एकदम जैसे लगे कि भाई यहाँ बूंद रखो तो ऐसे फिसल जाएगी। अब वो मम्मी की स्किन ऐसी तो थी नहीं, क्या मम्मी की जो बड़कन्नी जीजी ने डाइट फॉलो कर रखी थी उसका कमाल है या फिर फिल्टर का कमाल, ये तो जब दूसरे में मम्मी जी आएंगी तभी इस बार पे जरूर बात करेंगे। हाँ लेकिन जीजी छुटकन्नी पे अब आते हैं हम जरा। छुटकन्नी ने यूँ बोला है दर्शकों कि भाई जिस तरीके से मम्मी एकदम दुबली पतली होके आई हैं, अब हम ना इसको देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रहे हैं। वैसे दर्शकों आपको मम्मी जी के अंदर कुछ दुबलापन नजर आ रहा है? अब हो सकता है हमारे चश्मा लगा है पावर और बढ़ावे पड़े, पर हमको कुछ खास तो फर्क आ नहीं रहा है। अब 10-20 का कुछ परसेंट का अंतर हुए तो दूसरी बात है, पर हमको समझ नहीं आ रहा। हाँ छुटकन्नी ने ज़रूर कहा है कि मम्मी मेरी बिल्कुल दुबली पतली होके आई हैं, तो अब मम्मी को हम यहाँ पर भी वैसा ही फूड प्रोवाइड कराएंगे जिस प्रकार से इतनी मेहनत करके बड़कन्नी जिज्जी ने मम्मी को इस लेवल पे लाया है। तो हम लोग मम्मी के लिए ऐसे ही खाना पकाएंगे, ऐसे ही मम्मी को खिलाएंगे, सही माँ? मतलब दर्शकों आपको क्या लगता है कि वैसे पता चल जाएगा कि मम्मी जी को कितने दिन में कौन है खियाता कौन है पियाता? लेकिन हाँ अपना रंगा रंग कार्यक्रम जरूर आएंगे, इसकी तो 110% गारंटी है। और अब बड़कन्नी के साथ भी छोटकन्नी की जो बॉन्डिंग बनती है, देखिए अभी अपने चैनल पर उनका ब्रेक चल रहा है, लेकिन बड़कन्नी के वीडियो में आए के उन्होंने बस कुछ मिनट के लिए बोला कि मैं आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ पर आ चुके हैं मम्मी। मम्मी तो हमेशा के लिए हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ ना अपनी बड़ी बहन को देख कर, बड़कन्नी को देख कर। अब मैं और झूठ की दीवानी लाएंगे तूफान, हैं कर देंगे किसी का जीना हराम। नित नए स्कीम, जो वीडियो कॉल पे वॉइस कॉल पे स्क्रिप्टिंग चलती थी अब आमने सामने होगी, अब मिलके मचाएंगे धमाल। ऋतु आ गई रे, ऋतु छा गई रे, काहे की डॉलर कमाने की। तो दर्शकों ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो ऋतु आ चुकी है डॉलर कमाने की, अब ना इसमें देखिएगा कितने तिकड़म होंगे। हमें तो बस बड़कन्नी जीजी का ये देखना है कि इस मैटर पे ये ऐसे चुप्पी ही साधे रखती हैं, हमेशा की तरह ऑफ कैमरा करती हैं। और हाँ छोटकन्ने जिज्जी की मेच्योरिटी, 2-3 दिन पहले ही आपने अपनी मेच्योरिटी से हमको परिचय कराया है प्रीवियस वाला, तो हम आपकी मेच्योरिटी आपको याद दिलाते रहेंगे। आप दूसरों की खुशी में खुश हैं, और अब आप ना एक काम जो आपको लोगों ने बोला था हो सके तो उस पर भी थोड़ा सा काम कर दीजिए। लोगों ने कहा था कि अगर मैं तभी मानूंगा कि आप दूसरों की खुशी में खुश हैं और दूसरों को चैन सुकून से जीना देना चाहती हैं, जब आप गाली गलौज वाले लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, मतलब वो अगर उनको वार्तालाप करनी ही करें, वीडियो के बारे में रिएक्शन देना है दें, लेकिन भाई शब्दों का चयन, उनके जो शब्दों का चयन है ऐसी डिक्शनरी गाली गलौज वाली से होता है, वो बेहद वाहियात होता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई साहब उसमें कुछ अगर आप परिवर्तन ले आएँ तो हम जान जाएँ कि आप किस प्रकार से एकदम मोटिवेट हो चुकी हैं दूसरों के एक्सपीरियंस को लेके। वैसे आप तो भैया एकदम से नए एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे हैं भाई, दो दो महान लोग बड़कन्नी जिज्जी और हमारे नोना जिज्जा। किसी बहुत बड़े घर के सदस्य ने बोला था कि जो है लेवल, जिज्जी को बताया था कि अगर कभी कोई कंपटीशन करना है तो अपने लेवल के लोगों में करो, फालतू में औने पौने लोगों से क्या कंपटीशन है भाई साहब, एकदम चुप रहने का। तो वो लोग भी अब आ गए हैं बड़े लोग, अब देखते हैं भाई साहब इस समय का होगा का नहीं होगा। इसके अलावा भाई एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि सब लोग तो चले गए, मतलब मम्मी जी का बिल्कुल भी मन नहीं था आने का, मतलब सासू अम्मा का, तो तमाम लोगों ने कहा है
कि भाई सासू अम्मा का बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, उनको आप फिर से बुलाना, बुलाएंगे ना जज्जी? बाकी कमेंट सेक्शन में ना कमेंट भाई जानबूझ के सिर्फ तारीफा वाले रखे गए हैं, और जिसमें जज्जी की भर भर के तारीफें की गई सिर्फ और सिर्फ वही लिमिटेड हैं, बाकी सारे हटाए दिए गए हैं जो बाकी इनके हिसाब से जो हेटर्स हैं, क्योंकि ना वो हेटर्स की जो बातें होती हैं वो सच्ची होती हैं, इसलिए जिज्जी को वो हेटर्स लगते हैं। अब उनके कमेंट्स जिज्जी रखेंगी नहीं, हाँ ज़रूरत होती है जब रीच बढ़ानी होती, कुछ विवाद करवाना होता है तब रखती हैं, पर अभी अपने बारे में सिर्फ तारीफ़ा और तारीफ़ा। एक लोगों ने कहा है मम्मी को बेटे और बहू से मिलने की जल्दी है, खुशी उनके फेस पे पता चल रहा है। आए हाय टेरो वालों, तुम तो मम्मी के दिल जिगर किडनी की बातें बहुत ही अच्छे जानते हो। झूठ की दीवानी आप दोनों मदर को विंटर में बस लेके आ जाना, वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। तो अब तमाम लोग यही कह रहे हैं कि मम्मियों को फिर से लाना, मम्मियों को तुम फिर से लाना। हमें लग रहा है लोगों को भी मम्मी के पॉडकास्ट वगैरह सुन के बहुत ही मज़ा आता था। वैसे अब आप सब लोग तैयार रहो, क्योंकि अब तो ना रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पहले होगी बड़कन्नी जिज्जी की एनिवर्सरी, फिर आने वाले टाइम में हमारे छोटकन्नी जिज्जी का जन्मदिन। अब वो कुर्ता एनिवर्सरी में पहना जाएगा या फिर बर्थडे में पहना जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अब वक्त बस चल रहा ऐसे 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 ऐसे, अब वहाँ तक वक्त कैसे पहुँचेगा ये हम भी देख लेते हैं। चलिए दर्शकों अभी के लिए इतना ही, और कहाँ चाची हैं? हाँ हाँ वो चाची अभी आएंगी, चाची कह रही अब तो इतनी बिटौनी आ चुकी हैं तो कहाँ बहू चाची आएंगी। अरे वो जॉब करती हैं तो वो हेल्प करने आती हैं, उनका ये सब लोग मेहनताना देते हैं। अब भाई बिग बॉस आई हैं, ऐसे में तो हेल्पर आता ही आता है। पहले जब रेगुलर चाची नहीं आती थी, लेकिन हमारे छोटकन्नी जिज्जी के अलावा अगर बड़कन्नी जिज्जी जब कभी भी साथ में आती थी या अकेले आती थी तो भी चाची को बुलाया जाता था, क्योंकि काम ज़्यादा हो जाता है। और बड़कन्नी जिज्जी ना भाई, एक चीज़ और जाते जाते आप सबको बताना चाहूँगी, मम्मी जी जब हेल्पर से बात कर रही थी तो कह रही थी कि ना हम तुम्हारा खाना बहुत मिस करेंगे, वहीं पटना में जब निकलने वाली थी। तो दर्शकों इससे बहुत कुछ प्रतीत होता है, आप सोचो क्या होता है। असल में बात यह है कि मम्मी जी खाना इसलिए मिस करेंगे क्योंकि जब वीडियो में बनाना होता था तो छोटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी जब वहाँ थी तो थोड़ा मोड़ा कोई कर करके दिखा देता था, और अभी भी मम्मी लोग या फिर बड़कन्नी जिज्जी लोग जो करते थे वो सिर्फ 2-4 सेकंड के लिए। हाँ मखाना वगैरह बड़कन्नी जिज्जी करती थी, खाना जो करती थी वो वहीं की जो हेल्पर है जो बर्तन करने आती वही करती थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो मिस करेंगी आपका खाना। वैसे मम्मी जी वैसे पूछना तो नहीं चाहिए पर पूछ रहे हैं का कुछ थोड़ा मोड़ा टिका के आई हो, कुछ दे के आई हो। अब उसने इतने दिन आपका भैया अच्छे से टेक केयर का किया, खाना वाना भी आपको खिलाया, आप याद भी करोगी तो थोड़ा मोड़ा कुछ पैसा वैसा दे के आना चाहिए था ना उस हेल्पर को। बाकी आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा।